Item number two. Item number two. Janab Shahbaz Sharif sir, please. Janab Shahbaz Sharif sir, please. Madam Speaker. Item number three, please. Madam Speaker. Janab Shahbaz Sharif sir, please. बजट की स्पीचेस का आज दिन है, मेहरबानी करके जनाब साबिक सदर और नवाब शाह से पीपल्स पार्टी के एमएनए जनाब आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और दूसरे असीरान के आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें आप बिल्कुल। आप तशरीफ रख लें प्लीज, आप तशरीफ रख मियां साहब, आप अपना खिताब शुरू करें प्लीज। मैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स आप इशू करें, आप बजट की प्लीज स्पीच शुरू करें। उनका इस्तेहकाक है, आप प्लीज आप तशरीफ रख लें, बाकी आप तशरीफ रख लें प्लीज, आप तशरीफ रख लें प्लीज। मियां साहब को बोलने दें, वो अपनी बात तो कंप्लीट कर लेना प्लीज, आप तो मियां साहब को तो बोलने देने, फिर बात सुन लें उसके बाद मियां साहब को तो कर देंगे। मियां साहब को तो बोलने दीजिए प्लीज आप। मियां साहब आप प्लीज आप अपनी सर आप जरा उनकी बात सुन लें सर जी, इस तरह होता नहीं है ना ये, आप चूंकि जब आप डिबेट ओपन नहीं करेंगे तो बाकी नहीं कर सकेंगे। आप प्रोडक्शन ऑर्डर का हुक्म दें फिर आप। सर जी वो तो मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ उस पर, जो और खासकर जो ना उस पर अलावा मिनिस्ट्री से लीगल ओपिनियन ले रहा मैं उस पर करूँगा, लेकिन आप काइंडली अपना आगाज कर लें प्लीज। मियां साहब आप प्लीज अपनी शुरू कर लें। आप तशरीफ रखें बाकी जी, मियां साहब अपनी बात शुरू करें प्लीज, आप अपनी प्लीज 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 मियां साहब प्लीज शुरू कर लें। जी जी ओके जी, आप तशरीफ रखे प्लीज, आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे प्लीज, इस तरह ना करें ना प्लीज, आप तशरीफ रखे, आप भी तशरीफ रखे प्लीज। आप मैं क्या करूं भाई बताओ प्लीज। मियां साहब आप तशरीफ रखे प्लीज, फवाद साहब आप तकरीफ रखे, आप तशरीफ रख लें प्लीज, आप तशरीफ रखें ताकि मियां साहब बात आगाज कर लेना प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मियां साहब को बोलने दे प्लीज, मियां साहब को बोलने दे प्लीज। मियां साहब आप आगाज कर ले प्लीज। मैं सब ये जब आप बात का आगाज नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं हो सकेगा। जनाब स्पीकर मेरी आपसे इस्तदा है कि ये बजट सेशन है, बजट सेशन है, ये इस्तेहकाक है तमाम मुंतखब मेंबरान का इस मौजूद हाउस का कि वो अपने हलके की आकर जो उनके डिमांड्स हैं मुतालबात हैं वो पेश करें। अगर आप उनको हाउस में नहीं बुलाएंगे तो वो किस तरह बात करेंगे। बिल्कुल आप अपनी बात पे कर लेना, अपनी बात कर ले, आपका जो उसका मौके पे आप बता देंगे। मेरी गुजारिश ये है कि जी जी। आप बिला ताखीर आप हुक्म फरमा दें जनाब आसिफ जरदारी साहब, जनाब साद रफीक साहब और दीगर असीरान। मैं सब आप अगर शुरू कर ले इसके बाद मैं मौका दे दूंगा इसको ना, वो आप तकरीर कर ले इसके बाद मौका दे देंगे इसके।
जी मियां साहब आप प्लीज आप शुरू कर ले प्लीज। मैं तो हाजिर हूं लेकिन आप इसके ऊपर हुक्म सादर फरमाए ना। आप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखें ये असेंबली चलाना सिर्फ स्पीकर का काम नहीं है, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की इक्वल रिस्पांसिबिलिटी है। अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझ ले प्लीज। जी राजा साहब ये तकरीर कर लेगा, इसके बाद मैं आपको मौका दे दूंगा ना। ये मियां साहब बात कर लेगा, मियां साहब अपनी बात कर ले। इसके बाद देखो बजट में कभी हुआ नहीं इस तरह। आप राजा आप उनको फिर एक मिनट आपने तो बात कर ली उसने जी, उसकी आपकी आपकी बात कर दी है। जी जी आज जी प्लीज जस्ट वन मिनट जी। चलिए वन मिनट, जस्ट वन मिनट, थैंक यू, वन मिनट जी।